जिधर नजर उठाएंगे उधर लोगों का सैलाब पाएंगे। ये तस्वीरें महाकुंभ की नहीं है, ना ही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है, जहां छोटी सी सड़क पर हजारों लोग उमड़ पड़े हैं, बल्कि ये तस्वीर है देवभूमि कही जाने वाली उत्तराखंड की। जहां उमड़ी ये भीड़ उन युवाओं की है जो बेरोजगार हैं, ये उन बेरोजगार युवाओं की उत्साही भीड़ है जो किसी भी कीमत पर नौकरी पाना चाहती है। इस भीड़ में करीब 20,000 युवा शामिल हैं, जो महज 133 पदों पर निकली भर्ती के लिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित कई प्रदेशों से अभ्यर्थी यहां पहुंचे हैं। न खाने का इंतजाम है, न सोने के लिए छत। इस बीच पिथौरागढ़ से ऐसे वीडियो सामने आए जो एक तरफ व्यवस्था की पोल भी खोलते हैं, तो साथ ही देश में बेरोजगारी किस कदर है इसकी एक तस्वीर भी पेश करते हैं। सिर्फ यही नहीं, भर्ती वाली जगह पर पहुंचने के लिए अभ्यर्थी टैक्सी और बसों के जरिए पिथौरागढ़ पहुंच रहे थे। इसी बीच का एक और डरावना वीडियो सामने आया। इसमें उत्तराखंड परिवहन निगम के पिथौरागढ़ डिपो की एक बस दिख रही है जो हल्द्वानी से पिथौरागढ़ तक अभ्यर्थियों को ले जा रही थी। वीडियो में एक लड़का जिसे बस में सीट नहीं मिली तो अपनी जान जोखिम में डालकर बस की डिग्गी में बैठा नजर आ रहा है। चलती बस में डिक्की का दरवाजा थोड़ा खुला है जिससे उस लड़के का चेहरा बाहर झांकता हुआ देखा जा सकता है। बस भी तेज गति से पहाड़ के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर हिलती डुलती हुई नजर आ रही है। डिक्की का दरवाजा खुला है, हवा में लहर मार रहा है जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। पिथौरागढ़ से सामने आए एक और वीडियो में पहाड़ पर दूर दूर तक भीड़ नजर आ रही है। जिला मुख्यालय में हर तरफ युवाओं का हुजूम है। कई अभ्यर्थियों को सड़क किनारे खुली पहाड़ी जगहों में और खेतों में ही रात गुजारनी पड़ी। अभ्यर्थियों ने आरोप भी लगाया कि टनकपुर और हल्द्वानी से पिथौरागढ़ पहुंचने के लिए टैक्सी संचालन मनमाना किराया वसूल रहे हैं। साथ ही कोई उचित व्यवस्था न होने के कारण उन्हें सड़कों और फुटपाथों पर ही सोना पड़ा। हालात ऐसे हो गए कि हर कोई अपनी बारी के इंतजार में घंटों तक खड़ा रहा, तो वहीं एक समय ऐसा भी आया कि भर्ती के लिए पहुंचे हजारों युवा ग्राउंड में गेट तोड़कर जबरदस्ती घुसने लगे। इसके बाद पुलिस को वहां लाठी चार्ज तक करना पड़ा जिससे कई युवा घायल भी हो गए। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रादेशिक सेवा भर्ती का आयोजन किया गया था जिसमें 133 पदों के लिए भर्ती होनी थी। प्रशासन ने अपने भर्ती प्रक्रिया को बगैर किसी अड़चन के पूरा करने के तमाम तरीके के इंतजाम के दावे किए थे। उम्मीद थी कि सब कुछ बगैर किसी दिक्कत के पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इस छोटे से कस्बे में आयोजित इस भर्ती प्रक्रिया में यूपी, बिहार, झारखंड से युवा पहुंचे। युवाओं की भीड़ इस कदर थी कि प्रशासन के तमाम इंतजाम नाकाफी साबित हुए। कहा जा रहा है कि भर्ती के लिए पहुंचे युवाओं की संख्या ज्यादा होने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी था कि बिहार और पटना में सेना की भर्ती प्रक्रिया रद्द हो गई थी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।